राजा माधव सिंह राजपूत, ये नाम हम पहली बार सुन रहे हैं। आखिर इस नाम के पीछे क्या राज है? और इस लिफाफे में आखिर राज क्या छुपा हुआ है? भैया होना हो कुछ ना कुछ बात तो जरूर है। आखिर क्या राज है राजा माधव सिंह राजपूत के नाम का? कहीं ऐसा तो नहीं कि राजा माधव सिंह के नाम पर ही माधव का नाम रखा गया? आखिर क्या राजा पिताजी के गुम होने का, इसका पता तो लगाना ही होगा। माधव भैया जल्दी बाहर आइए, बहुत ही जरूरी बात है। भैया कुछ तो गड़बड़ है, कोई बहुत बड़ा राज है। राज? किसका राज? माधव भैया हमारे बाबूजी के गुम हो जाने का और राजा माधव सिंह राजपूत का। राजा माधव सिंह राजपूत? हाँ भैया, हम भी बहुत परेशान हैं। आपके नाम वाला ये इंसान है कौन? अगर ये चिट्ठी संग्राम पढ़ लिया होता तो, या फिर चाहे किसी तरह माधव को ये बात पता चल जाती तो। नहीं नहीं, हम इस घर के रिश्ते और प्रेम को भस्म नहीं होने देंगे। अब आपके हाथ की लिखी आखिरी निशानी को हमें चलाना पर। माधव भैया हमें तो बहुत बड़ा झोल लग रहा है। देखिए आपका नाम भी माधव, उस पर्ची पे लिखा नाम भी माधव, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो राजा माधव आप ही हैं और हम सब आपकी प्रजा हैं? अरे नहीं यार बल्ली, अगर ऐसा होता तो फिर हम यहाँ क्यों रहते? पता नहीं भैया, जब से वो गन मिला है ना हमारा तो भेजा ही फिर गया है बस। अगर हम राजा होते तो बाबूजी कहाँ राजा होते? और वैसे भी उस चिट में तो सिंह लिखा है और हम तो राय हैं। अरे हाँ भैया, बात तो आप सही कह रहे हैं। यार बल्ली, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अनाथ हैं और हमारा तुम लोगों से कोई संबंध ही नहीं है? क्या बात कर रहे हैं माधव भैया, ऐसा नहीं हो सकता। आप भी ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या हो रहा है भाई, आज आपके जनाब ने किक विक मारा है? नहीं। हाँ वो तो हमेशा ही मारता रहता है। अच्छा भाई, बहुत अच्छे। अच्छा मुझे याद आया, मैं भी जरा बाहर जा रहा हूँ तुम्हारी ब्लड रिपोर्ट्स लेने के लिए, तो बताओ कुछ और लाना है क्या? अच्छा आप जा ही रहे हैं तो हमारे लिए इमली ले आइएगा ना, हमारा इमली खाने का बहुत दिल कर रहा है। भाई मुझे तो लगा था कि हमारे घर में एक प्यारी सी बेटी आने वाली है। लेकिन इतना पैर चलाने वाला तो बेटा ही है ना, बेटी थोड़ी ना।
भाई तुम्हें कैसे पता कि बेटा ही है? ऐसा भी तो हो सकता है कि अंदर बेटी हो, और हो सकता है कि वो अंदर कथक की प्रैक्टिस कर रही होगी। देखिए, आपको हमारी कसम, आप मजाक में भी ऐसी बातें मत कीजिएगा। इसमें मजाक की क्या बात है भाई? इस घर में कोई लड़की ही नहीं है, हम चारों भाई बचपन से एक बहन के लिए तरस गए यार। भाई मुझे तो बहुत खुशी होगी अगर मेरी बेटी हुई तो, और वो भी बिल्कुल तुम्हारे जैसी प्यारी। आप समझ क्यों नहीं रहे? आप नहीं जानते, अगर हमें बेटी हुई ना तो अम्मा जी हमें इस घर से निकाल देंगी, और तो हमारा कोई मान सम्मान भी नहीं रहेगा। तो क्या क्या हो जाएगा यार, निकल जाएंगे? ऐसा भी क्या बेटा? बेटा देखो, बेटा या बेटी होना हमारे हाथ में नहीं होता है, तू समझती क्यों नहीं हो? और मुझे तो बेटी ही चाहिए बस, और उसके होने पर हम उसे दिल से अपनाएंगे, और उसके लिए हर स्टेप लेने के लिए रेडी हूं मैं। आप समझ क्यों नहीं रहे? हम दोनों इस घर से बेदखल हो जाएंगे। भले कोई आपसे कुछ भी ना कहे, पर हमें हमें तो इस घर से निकलना ही पड़ेगा, और फिर अम्मा जी आपकी दूसरी शादी करा देंगे। देखो मंजू, शांत हो जाओ प्लीज। अच्छा देखो, शांत हो जाओ, मैं हर हाल में तुम्हारे साथ रहूंगा, और ये विजेंद्र का वादा है तुमसे। अच्छा देखो, सॉरी मंजू, देखो कान पकड़ के माफी मांग रहा हूं, और वादा करता हूं कि आज के बाद कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जिससे मेरी बीवी को दुख पहुंचे। अब तो तुम रिलैक्स कर लो, मैं तुम्हारी रिपोर्ट्स लेकर आता हूं, और तुम्हारे लिए गर्मा गर्म दूध भेजता हूं, ठीक है? क्या हुआ, कहाँ खोए हैं आप? इसका मतलब हम सच में अनाथ हैं, और इस घर से हमारा कोई संबंध नहीं है। ये भगवान, हमारी शादी तो इस घर के सबसे लाडले बेटे से हुई थी, पर आप तो अनाथ हैं, अब हम क्या करें? बहुत मजा आ रहा ना आपको हमारी परेशानी का मजाक बनाकर। उड़ा लीजिए मजाक। सॉरी, आप इतना क्यों परेशान है? अगर आपको अपने जन्म की सच्चाई जाननी है तो आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट चेक कर लीजिए, सब कुछ पता चल जाएगा अपने आप। अरे वाह, आप तो एकदम ठीक कह रही हैं सरोजा जी। थैंक यू सरोजा जी, थैंक यू। हम अस्पताल जाकर अपना बर्थ सर्टिफिकेट निकलवाते हैं, उससे हमें पता चल जाएगा कि हम कौन है। सुबह सुबह क्या ढूंढ रहे हैं? अपना जन्म प्रमाण पत्र। आपको पता है सरोजा जी, हम कल पूरी रात एक मिनट भी नहीं सो पाए, पता नहीं है क्या हो रहा है।
और देखिए ना, इसमें सारे जरूरी कागजात है, सिर्फ जन्म प्रमाण पत्र नहीं। इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात? अरे हो सकता हो कि अम्मा बाबूजी के पास में आपका बर्थ सर्टिफिकेट रखा हो, क्योंकि कई बार माँ बाप अपने पास ही रख लेते हैं। ठीक है, हम अम्मा से पूछ के आते हैं। कि तुरंत मत जाइए, अगर आप इस वक्त जाकर के उनसे बर्थ सर्टिफिकेट मांगेंगे ना, तो उन्हें बहुत दुख होगा। वो सोचेंगे कि आपको उन पर और उनके प्यार पर भरोसा ही नहीं है। अभी रुक जाइए। तो क्या करें, ऐसे घुटते रहे हम? नहीं सरोजा जी, हमें अपने जन्म की सच्चाई जाननी है और हम जान के ही रहेंगे। ये समझ में नहीं आ रहा कि इतनी छोटी सी बात को लेकर आप इतना क्यों परेशान हो रहे हैं। आपको एक गन मिली जिस पर आपसे जुड़ा हुआ नाम राजा माधव सिंह राजपूत लिखा हुआ है, इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है? बड़ी बात है सरोजा जी, उसमें कोई और भी तो नाम लिखा हो सकता था ना, कुछ भी लिखा हो सकता था, हमारा ही नाम क्यों? लिखा हो सकता था, ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल लिखा हो सकता था। अच्छा एक बात बताइए, अगर हमारा नाम सोनिया होता और हमें एक पेन मिले जिस पर सोनिया गांधी लिखा हो, तो क्या हम सोनिया गांधी हो जाते? नहीं ना। इसी तरह एक नाम के दो लोग हो ही सकते हैं। हम जानते हैं जो आप कह रही हैं वो एकदम ठीक है, पर हमारा मन ये मानने को तैयार नहीं। हो ना हो, उस गन का हमारे साथ कोई ना कोई रिश्ता तो जरूर है। आप खुद ही देखिए ना, वो गन जिस पे राजा माधव सिंह राजपूत लिखा है, वो चाचा जी के लॉकर में क्यों मिलती? और ये बात भी तो सच है ना, बहुत समय पहले यहाँ के राजा माधव सिंह राजपूत ही थे। जब तक हम ये ना जान ले कि चाचा जी का उस गन के साथ और उस गन का हमारे साथ क्या रिश्ता है, हमें चैन नहीं मिलेगा। अच्छा बाबा ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप अपने बर्थ सर्टिफिकेट के साथ में अपने बचपन के फोटोग्राफ्स भी लेके आइए, आपको कुछ ना कुछ तो जरूर पता चलेगा उससे। सरोजा जी, आप तो एकदम ठीक बात कह रही हैं। बीवी हो तो आप जैसी। आई लव यू। अरे अरे देखो, पहाड़ों में कितना बड़ा तूफान आया, कितने लोग मर गए उसमें। अरे क्या प्रमुख जी, आजकल तो अखबारों में रोज का चोरी चकारी दुर्घटनाओं, इन सब के अलावा कुछ और छपता ही नहीं। अरे माधव बेटा, सवेरे सवेरे खुश रहो। खुश रहो बेटा। हाँ माँ, कहा है ना, हमें अपने बचपन की फोटो चाहिए, कहाँ रखी है? बचपन की? जी आज बचपन की बड़ी याद आ रही है तुम्हें। हाँ माँ, वो ना हमें सरोजा जी को दिखानी है, और अम्मा उसके साथ ना हमें अपना जन्म प्रमाण पत्र भी चाहिए, वो भी सरोजा जी को दिखाना। बेटा फोटो तो तुम्हें मिल जाएगा, बाकी तुम्हारा जन्म प्रमाण पत्र, वो जिस अस्पताल में तुम्हारा जन्म हुआ था ना, उस रोज उस अस्पताल में आग लग गई थी। हाँ बेटा, इसलिए वो नहीं मिल पाएगा। ठीक है अम्मा, कोई बात, आप हमें फोटो दे दीजिए। हाँ फोटो लाते हैं हम। चाय कैसी? अच्छी, एक घूट ले लो ना। लो बेटा, इसमें बचपन की तुम्हारी सारी फोटो है। थैंक यू। क्या बात है प्रमुख जी, ये अपने माधव को क्या हो गया? कभी कुछ मांग रहा है, कभी कुछ। पहले अपनी फोटोएं मांग रहा था और अब जन्म के कागज। क्या मिसेज प्रमुख, अरे अपनी बीवी के सामने डींगी हांक रहा होगा, उसी में कुछ दिखाना होगा।
आप जानती नहीं माधव के स्वभाव को क्या? आप भी छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाती है। अब बैठिए ना, अखबार में कितना अच्छा जोक छपा है। संता बनता को कहता है, जब तक बेसन में हाथ सनता नहीं पकोड़ा बनता नहीं। क्या मिसेज प्रमुख जी, बैठिए ना। चाय पीजिए। अरे पर आप बैठिए ना। अरे इस फोटो में कितने लल्लू लग रहे हैं आप। लल्लू मतलब बचपन में सब ऐसे ही दिखते हैं। सरोजा जी, इन फोटो से हमारे जन्म की सच्चाई के बारे में तो कुछ पता नहीं चल रहा। इनमें तो हमारे पैदा होने की फोटो ही नहीं है। अब क्या करें? सरोजा जी, आपके पिताजी ने हमारे साथ आपका रिश्ता इसलिए जोड़ा है क्योंकि हम किरचापति राय के बेटे हैं। और आपने भी हमें बिना जाने बिना देखे शादी करने के लिए हाँ इसलिए किया होगा ना, क्योंकि हम इस परिवार से संबंध रखते हैं। हाँ ये तो है। सरोजा जी, अगर आपको ये पता चले कि हम इस घर के बेटे नहीं हैं, एक अनाथ है और हमें कहीं से उठा के लाया गया, तब भी आप हमें इतना ही प्यार करेंगी? ऐसी बातें कर रहे हैं आप? हम जानते हैं कि जब हमारे यहाँ लड़का लड़की की शादी होती है तो दो परिवारों के स्टेटस को भी देखा जाता है। कुछ भी हो, कुछ भी हो, अब हम आपकी पत्नी हैं और हम आपका साथ हमेशा देंगे, हमेशा। थैंक यू सरोजा जी। आपको पता है आपने ये कहकर ना हमारे मन से बहुत बड़ा बोझ उतार दिया। हम अपने जन्म के पीछे की सच्चाई जरूर जानना चाहते हैं, लेकिन डरते थे कि कहीं ये सच्चाई आपको हमसे दूर ना ले जाए। बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं। आपका जो मन करे आप करें, हम आपके साथ हमेशा हैं, हमेशा। थैंक यू। हम तैयार हो के आते हैं। हे भगवान, चाहे कुछ भी हो, बस इनको उसका सामना करने की हिम्मत देना। माधव भैया, हमने सब पता लगा लिया। वो अस्पताल जिसमें आप पैदा हुए थे ना, वो चला नहीं था, चलाया गया था। क्या? जी भैया। और भैया, वहां की एक नर्स है जिसके बारे में पता लगाया है, नाम था, हाँ, जागृति देवी।
लेकिन अब वो थोड़ी बूढ़ी हो गई। बूढ़ी है ना, मरी तो नहीं ना? कहाँ रहती है? ये एक गाँव है, यहाँ से 200 किलोमीटर दूर। ठीक है बोली, चलो। अरे माधव भैया, लेकिन एक प्रॉब्लम है, गाँव बहुत दूर है, जाते जाते बहुत समय लग जाएगा। बोली उससे क्या फर्क पड़ता है, सच्चाई जाननी बहुत जरूरी। चलो माधव भैया, अगर आपको ये पता लगे कि उस गन से आप राजा माधव सिंह राजपूत से आपका कोई रिश्ता है तो क्या आप हमें छोड़ के चले जाएंगे? बोली तुम कैसी बातें कर रहे हो, अभी ये जानना जरूरी है कि इस सब के पीछे क्या सच्चाई, हमारे जन्म के पीछे क्या सच्चाई और इसके पीछे क्या राज छुपाए। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ कि तुमने उन्हें फोन करके बताया कि हम आने वाले? नहीं भैया, अब तक तो नहीं किया। हमें फोन दो, हम बात करते हैं। जल्दी दो बल्ली। हाँ हम लगा के देते हैं। हेलो, हम गिरजापति राय के बेटे माधव राय बोल रहे हैं, हमें जागृति देवी से मिले, क्या वो मिल सकती है? वो किसी से भी नहीं मिलेगी। और अगर हमें मिलना हो तो? चल चल, फोन रख। हेलो, क्या हुआ? फोन काट दिया उसने, इसको तो वहीं जाके देखना पड़ेगा। हेलो भाई, राजा जी की कहानी में लगता है किसी को दिलचस्पी होने लगी, वो जागृति अम्मा से मिलना चाहता है। पता करो कौन है, क्यों मिलना चाहता है? जी भाई, अगर खतरे वाली बात करती है तो उसे खत्म करो। जी भाई। बोली आज हमें जागृति देवी से मिलना बहुत जरूरी है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। अरे माधव भैया, रामपुरिया ले ले, क्या पता वहां जरूरत पड़ जाए। बोली इस सबकी जरूरत नहीं है। इस सबके पीछे क्या राज छुपा है?